हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज हम देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर के बारे में और जानेंगे इसकी वर्किंग कि ये कैसे काम करता है और पेपर में इससे मतलब इससे किस किस इसके भाग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नाभिकीय रिएक्टर। अब नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपकी इसकी थ्योरी बता देता हूँ। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो जो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन पर ये काम करता है। अब इसमें क्या होता है, जो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक जो बड़ा नाभिक रहता है यूरेनियम U-235 का, उस पर एक न्यूट्रॉन को टकरा दिया जाता है और यहाँ से ये दो भागों में बट जाता है। तो एक भाग में बनता है, यहाँ पे दो भागों में ये बट जाएगा, एक ये और एक ये। तो पहला बनेगा क्रिप्टॉन, फिर बनेगा बेरियम, प्लस तीन नए न्यूट्रॉन जो होंगे यहाँ से निकलते हैं। जब ये तीन नए न्यूट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, देखिए मैं सिर्फ न्यूट्रॉन के बारे में बता रहा हूँ, ये तीन नए न्यूट्रॉन निकले, ये नए न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम को करते हैं और एक न्यूट्रॉन फिर से अलग तीन नए न्यूट्रॉन और प्लस में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने क्या काम किया कि इस एनर्जी को प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम अपने अपने उपयोग में ले लेते हैं। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है कि नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो बेसिकली वो डिवाइस होता है जो नाभिकीय विखंडन जो होगा, ठीक है दोस्तों, जो नाभिकीय विखंडन होगा उसको क्या कंट्रोल कर देता है। तो ये कंट्रोल जब कर देता है तो इसके कारण ये जो पूरा का पूरा जो एक रिएक्टर है, ठीक है, और इसमें ये जो प्रोसेस हो रही है ये कंट्रोल हो रही है, तो ये जो कहलाएगा नाभिकीय रिएक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये एक बड़ा सा आवरण दिख रहा होगा आपको, तो ये कहलाता है शील्ड। ठीक है, ये पूरा का पूरा कहलाएगा आपका शील्ड। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हम आगे बात करेंगे। फिर इसके अंदर एक और कक्ष होता है जो कहलाता है कोर कहलाता है, ठीक है, विखंडन कक्ष कहलाता है, और यहाँ पे रखी रहती है फ्यूल रॉड, ईंधन छड़ रखी रहती है, और ये जो है ये जो ऊपर आधे अंदर जो आपको धसे हुए दिख रहे हैं ये है नियंत्रक छड़, जिसको कंट्रोल रॉड भी कहते हैं। अब देखिए होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे देखिए इस कोर के अंदर जो होगा ये ईंधन जो रॉड होगी, ईंधन रॉड एज अ फ्यूल काम करेगी। ठीक है, और हम फ्यूल कौन सा लेंगे, यूरेनियम 235 को, ठीक है, एनरिच 235 ईंधन के रूप में काम करता है। अब क्या होगा कि जैसे ही विखंडन स्टार्ट हुआ, इस यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन टकरा दिया गया, इसमें तीन नए न्यूट्रॉन बना दिए और ये तीन नए न्यूट्रॉन के साथ एनर्जी निकली। ठीक है, और जब एक बार विखंडन होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। अब जब विखंडन स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो क्या होता है कि ये तीन जो नए न्यूट्रॉन हैं वो अगले जो यूरेनियम के जो नाभिक होगा उनको फिर से वो करके तोड़ के फिर नए न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो क्या काम किया जाएगा इस न्यूक्लियर रिएक्टर में, हम यहाँ पे मंदक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, काय का मंदक का, मॉडरेटर का, और ज़्यादातर क्या होगा D2O और ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। अब मंदक क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रॉन तीन नए न्यूट्रॉन निकल रहे थे इनकी जो तेज़ी से जितने तेज़ी से निकलते हैं उसकी प्रोसेस को हम यहाँ पे धीमा कर देते हैं। ये प्रोसेस जितना धीमा करेंगे हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो ये विस्फोट में भी बदल सकता है। अब ये तीन न्यूट्रॉन को क्या किया हमने, धीमा, इनकी प्रोसेस धीमी कर दी, जिसके कारण ये तीव्र गति से अब नहीं निकलेंगे, इधर उधर तीव्र गति से नहीं जा सकते। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, ये जो नियंत्रक छड़े हैं, ये जो आप देख रहे हो ये नियंत्रक छड़े यहाँ पे लगा दी जाती है। तो ये जब तीन नए न्यूट्रॉन निकलते हैं यहाँ से, तो ये तीन में से दो को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये अवशोषित कर लेंगे तो बचता है एक न्यूट्रॉन, और ये एक न्यूट्रॉन जाके फिर से यूरेनियम के नाभिक को पेनेट्रेट करेगा, फिर तीन नए नाभिक न्यूट्रॉन बनते हैं, और ये तीन न्यूट्रॉन को फिर कैडमियम या बोरॉन की छड़ जो होती है वो ऑब्जर्व कर लेती है और एक ही न्यूट्रॉन रहती है। तो इस प्रकार जो हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंट्रोल रहता है, इसलिए कंट्रोल चैन रिएक्शन पर काम करता है। ठीक है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर नाभिकीय रिएक्टर काम करता है और परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए, अब ये तो कोर था, अब ये कोर के ऊपर ये लगी है, यहाँ पे हमने शील्ड लगाया है। ठीक
ठीक है। तो सील्ड का काम होता है, जब भी आप देखिए आपको पता होगा कि यूरेनियम 235 है, ये एक न्यूक्लियर सब्सटेंस है, ठीक है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण इससे होगा विकिरण। अब देखिए हमको तो जो ह्यूमन है वो यही काम करेंगे आजू बाजू पावर प्लांट में, तो ये विकिरण उनको नुकसान ना पहुँचाए और ये विकिरण फैले ना, तो हम यहाँ पे शील्ड लगा देते हैं जिससे इसका विकिरण यहीं अंदर ही रहता है और ये विकिरण बाहर नहीं आता। और इस वजह से इस प्लांट में ह्यूमन जो लोग हैं, मानव लोग हैं, मानव या जो भी होंगे वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला मकसद होता है ह्यूमन हजार्ड को रोकना। और अगर विकिरण फैलता है तो ये पर्यावरण, मानव और पशु पक्षियों सभी के लिए घातक होगा, इसलिए ये शील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ताकि विकिरण ना फैले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए कंट्रोल लोड में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनकी अवशोषण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ईंधन जो छड़ होती है, फ्यूल रॉड जो होती है, उसमें यूरेनियम इनरिच समृद्ध यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मॉडरेटर जो प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं वो भारी जल कर देता है, D2O, ठीक है, जिसको भारी जल भी बोलते हैं, और ग्रेफाइट ग्रेफाइट, ठीक है, ये दो इसके इसे प्रोसेस को जो स्लो डाउन करते हैं। अब ये जो पूरी हीट जो बनती है इसको क्या किया जाता है, इस हीट का यूज़ किया जाता है वाटर को बॉईल करने के लिए। और जब वाटर बॉईल होके स्टीम बन जाता है, तो आपको पता है स्टीम में ताकत होती है, स्टीम किसी भी चीज़ को आगे धकेलती है, तो वहाँ से ये सीधे टर्बाइन में जाते हैं और टर्बाइन में इस प्लेट्स को ये घुमाते हैं और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।